हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है नेपाल के बाद भारत का पाकिस्तान को झटका, बात करने से भी मना कर दिया। मतलब शायद भी बात करना चाहता था पाकिस्तान तो उससे भी मना कर दिया। इतना बड़ा झटका दिया भारत पाकिस्तान को भारत ने। क्या हुआ सारा कुछ देखेंगे। नेपाल को भी लगता है पहले कुछ दिया झटका, नेपाल को क्या दिया मुझे नहीं पता पता नहीं इसमें। सारा इसके अंदर देखेंगे, शायद समझ आ जाए। इंफोटेक का वीडियो गाइस, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में। में प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। भाई देखते हैं सिचुएशन क्या हुई है यार। बिल्कुल देखते हैं नेपाल के अचानक से साथ मतलब क्या हुआ। पाकिस्तान को क्या बिल्कुल झटका हुआ है पाकिस्तान सारा को कुछ क्या हुआ है देखेंगे। बड़ा वाकई में। मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान हो या नेपाल, इन सबको भारत की जरूरत है। भारत के बिना ये कभी ऊपर ये नहीं बात उठ है। सकते। लेकिन इनमें जो अहंकार और धोखाधड़ी नाम का कीड़ा है ना, ये इन देशों को आगे मतलब जाने नहीं दे पाकिस्तान की तो रहा। समझ आती है, नेपाल का नेपाल को क्या किस्सा तो हुआ आपके यहाँ पे। सामने ही है। पहले हाँ तेवर दिखाते हुए भारतीय प्रोडक्ट्स पे अतिरिक्त टैक्स लगाए और बाद में जब नेपाल के बाजार में भारतीय वस्तुओं की कमी होने लगी तो यही नेपाल भारत से उन वस्तुओं की मांग कर रहा है। ये ऐसा चीज ही होता है, कुछ लगता हाल है दिखावे नहीं पाकिस्तान ना का भी भाई। है। दरअसल अभी अभी पाकिस्तान की ओर से बयान आया है कि भारत पाकिस्तान के साथ फिर से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा शुरू करे। लेकिन गौर से देखें तो इसे बयान नहीं तो एक धमकी भी कही जा सकती है। देखिए नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान से बात शुरू नहीं की तो इसके गंभीर परिणाम भारत को भुगतने होंगे। दरअसल पाकिस्तान ने भारत से कश्मीर, व्यापार और अन्य मुद्दों पर व्यापार द्विपक्षीय फिर से वार्ता करना फिर से चाहता है शुरू करने पाकिस्तान, का आग्रह मुझे किया पता है। था करेगा लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान। के बयान इमरान कंफ्यूज खान ने करने बकचोदी वाले की थी हैं सारी। क्योंकि उसके बयान आग्रह से ज्यादा धमकी भरे लग रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ने बातचीत नहीं की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतोगे। वैसे ये बयान पाकिस्तान के राजदूत वाह भाई, अब्दुल बासिद ने दिया है। अब्दुल ने वो वॉशिंगटन में एक एफओ बैठक को नहीं है, संबोधित सही करते हुए कहा बात है। कि जिस इसको तरह इसको पाकिस्तान सुधारने को नहीं कश्मीर चाहता मुद्दे है पर तो ये भारत से आपका बात आता करना ही चाहता नहीं। है, वैसे ही मेरे भारत भाई की ओर से भी पुराना था भी बातचीत का पाएगा। जिक्र होना ही चाहिए। अब्दुल ने कहा कि पाकिस्तान पुराने बैर अब्दुल भुलाकर कासिम भारत की से कोई नए हैसियत ही संबंधों नहीं की है भाई। नींव रखना चाहता है। लेकिन भारत सरकार हमारी एक नहीं सुनती। हम भारत से व्यापार भी करना चाहते लेकिन भारत ने वार्ता के सभी दरवाजे बंद कर रखे हैं, जो कि ठीक नहीं। अगर भारत का यही बर्ताव रहा तो इसके परिणाम तो भारत को भुगतने ही पड़ेंगे। खैर अब्दुल के इस बयान के बाद सब भारतीय नेता एक विदेश बार मंत्रालय के कुछ नहीं, प्रवक्ता अरदीम बागची ने भी कहा कि भारत और ऐसे सुंदर से देशों के जवाब साथ आया समझौते यार। नहीं करता जो आतंकियों को पनाह देकर उनका वित्तीय ओ पोषण करता है। भारत का रुख साफ है, मतलब जवाब पहले आया अपने एंड मुल्क पे से यार। जिहादियों का सफाया करो तभी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि ओ आतंकवाद और मानवाधिकारों की बातें एक टेबल पे शोभा नहीं देती। वैसे देखा जाए तो बीते हफ्ते शहबाज ने भी पीएम मोदी से बातचीत करने की कोशिश की थी जिसे बाद में ठुकरा दी गई। फिलहाल पाकिस्तान हाँ, लगभग कंगाल हो चुका है, कोई भी मदद करने आगे नहीं बहुत आ बड़ी रहा। गलती की थी ऐसे हमने में ट्रेड उसे जो खत्म भारत कराया। याद आ रहा है ताकि सस्ते दरों में भारतीय वस्तुओं का लाभ उठाया जा सके। नहीं तो आप और भी बहुत जानते सस्ता हैं में कि मिलता था पाकिस्तान वाकई एटम में। बम के अलावा कोई बात नहीं करता। वैसे आप बताइए दोस्तों, नेपाल, पाकिस्तान और चीन, इन पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए? पर कमेंट करने से पहले ये यार जरूर होने तो ध्यान में अच्छे चाहिए रखें लेकिन कि ये बस क्या। मुल्क हाँ भारत के हितचिंतक नहीं है, तो सोच हाँ समझ कर ये ही कमेंट करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड गाइस, सब्सक्राइब इनकी भी वीडियो का लिंक जरूर मिल जाएगा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। तो यार देखो, हम आम पाकिस्तानी क्या, हर कोई चाहता है कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए इन सब देशों के, क्योंकि सबसे पहले मदद को नेबर पहुंचता है। इधर मदद ही अपने जो नेबर्स हैं वो ही आपस में लड़ रहे हैं, तो बंदा क्या कर सकता है इसमें भाई। असल हाँ में पता है क्या बात है, असल में हमारी कुछ ऐसी गलतियां हैं ना, मैं आपको सच मुझे बताऊं इमरान यार। खान, देखो यार मैं जो भी बोलूं, मुझे एक वजह से इतना बुरा वो लगता है ना, जो उसने वो अहंकार में आके, अपने ईगो में आके जो ये व्यापार बंद किया था ना, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलती है इमरान खान ये की। फिर भी इंडिया की बड़ी मेहरबानी है, सही बात, फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हमें फार्मास्यूटिकल दे के रहा है जो वरना भारत अभी भी बेड़ा हमें गर्क दे हो रहा है, जाए।
और भाई साहब ये वाले ये राजदूत जो है इनको कोई जानता भी नहीं है पाकिस्तान में, पहले थे अब्दुल बासित, इनको मैं तो नहीं जानता सीरियसली, मैं मुझे पता है इसका, लेकिन ये इसकी कोई इसकी बातों की हैसियत नहीं होती की जाहिर बात है ये आजकल मतलब इनकी कोई वो है। और सच में आपको मैं एक बात बोलूं ना, इस टाइम पाकिस्तान, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पीएम ने एक बार नहीं तीन चार बार बोला कि हमसे बात करो, सही बात है। उसके बाद हमारे काफी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं वो जो बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ बातचीत करो, हाँ। ट्रेड करो, असल में पता है क्या धमकी देने लायक हम है ही नहीं फिलहाल, हमारा हाल ये हो चुका है ना, असल में पता है क्या बात है, हमारा व्यापार जब तक इंडिया के साथ स्टार्ट नहीं होगा ये सच है, सही बात है। हमने अपने पांव पे इमरान खान ने कुल्हाड़ी मारी थी जब उसने ये व्यापार बंद किया था, मेरी नजर में अभी सबसे भी बड़ा शरीफ फैमिली फुल कोशिश कर रही है, नवाज शरीफ लोग, शहबाज शरीफ लोग, कि व्यापार कहीं से फिर से शुरू हो जाए क्योंकि नीड है इस टाइम पाकिस्तान की। अब आप सोचो चीनी ब्राजील से आ रही है, ब्राजील से चीनी आ रही है तो आते आते कितना उस पर पैसा लगता होगा उसको खाली इधर लाने में, गंदम हमारी रशिया से आ रही है भाई कितना पैसा लगता होगा, ये वाघा बॉर्डर से चीजें आ जाती तो कितना हम सस्ते में सब कुछ ले सकते। और सब सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ ना कि यार एक बंदा होता है जो अपने देश के बारे में सोचता है, एक बंदा वो होता है जो अपनी अना में आता है, अना को ईगो, देखो ईगो मतलब ये ईगो वाला चक्कर जो इमरान खान ने किया था ना इसका सबसे बड़ा नुकसान आवाम ने बोला है। सही बात है, इंडियन सही बोलते हैं, मैंने कितने इंडियन से सुना है वो तो एक किस्म का यही समझो कि पाकिस्तान के बारे में बुरा था, मैं आप अगर मैं सही बात वो क्या कहते हैं इंडियंस कहते हैं कि एजेंट था हमारा, मतलब अगर देखा जाए पूरी दुनिया में अमेरिका के साथ चाहे ताल्लुकात हो, चाहे चाइना के साथ ताल्लुकात हो, चाहे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब, यूएई, जब कंट्री के पास पैसा नहीं होता ना तो उसको ईगो नहीं दिखाना चाहिए, वो दूसरों के राय मुकरम पे होता है, दूसरे की हेल्प पे वो चल रहा होता है कंट्री, तो उसके वजीर आजम को ये नहीं चाहिए कि तुम टोटल ईगो दिखाओ भाई, तुम तरीके से बात करो। एक देखो भारत कितना बड़ा देश है, कितना पावरफुल देश है, उसने ईगो नहीं दिखाया आज तक। देखो फ्रेंड कंट्रीज को हमेशा आप साथ लेकर चलते हो, जिस तरह इंडिया सबको साथ लेकर चलता है, ये मैंने पांच नाम आपको गिनाए हैं इनके साथ इनके ताल्लुकात इंडिया ने इमरान खान ने इतने खराब कर दिए थे, अभी आज इंडिया देखो ताल्लुकात उनके साथ कैसे। अब ये जो गवर्नमेंट है ये लगी हुई है इसी कोशिशों में कि फिर से कोई हो जाए वाकई नहीं तो, और मेरी नजर में अगर देखा जाए, देखो जो आतंकवाद है यार सच में बताऊं ये पूरी इंडिया का भी मसला है, पाकिस्तान का भी यही मसला है, सेम यही प्रॉब्लम जो हाँ हमारा इधर रोज लगभग देखो एक दो दिन बाद आपको खबर आ रही होती है कि भाई हमारे इधर धमाका हो गया, तो भाई हम खुद चाहते हैं, हम खुद इसमें तंग आ चुके हैं, आम आदमी जितने भी तंग आ चुका है, आतंकवादियों को चुन चुन के कोई मिल के मैं कहता हूँ मारे, इनकी मार के रख देना आतंकवादियों को, हम तो यही चाहते हैं, हम इतने तंग आए हुए इनसे। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।